रहे हो गए? दंगे के दौरान आपने कहा था कि जिनके मकान है वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन एक का भी नहीं हुआ। एसपी पर जिसने गोली चलाई उसका भी मकान यथावत है। मैंने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया उसमें, कि दंगे के पीछे कौन थे, इतनी बड़ी कार्रवाई। किस प्रकार के निर्देश दिए और प्रस्ताव भी दिए गए थे, किस प्रकार के निर्देश दिए? और जो सेंसिटिव जोन है उनमें जल्दी सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने की बात भी है, पुलिस के क्वार्टर बढ़ाने की बात भी है, निवाड़ क्षेत्र में एक बटालियन की और स्थापना की बात भी है। ये सारी बातें यही नहीं करिए सिर्फ, इसलिए भोपाल भी यहाँ से जोड़ के लगातार बातें हमने की। सर, थाने के दौरान देखा गया कि पुलिस की कमी रही थी, तो दो थाने के प्रस्ताव और बटालियन की बात कर दी पूरी आप, एक दो पुलिस की बात कर दो। खरगोन में ही बनेगी बटालियन? निवाड़ क्षेत्र की बात हुई है, पर खरगोन सेंटर है, इसलिए फोकस यही रहे। अच्छा, थाने को लेकर भी चल रही चर्चा कि दो थाने और बनाए जाएंगे अतिरिक्त? हाँ, दो थाने की भी बात हुई है, एक थाना बिस्तान और एक थाना जैतापुर। फंडिंग की बात आ रही थी बीच में, जो फंडिंग की बात आ रही थी इसमें बीच में, तो कोई फंडिंग का इसमें जांच वांच हुई क्या? एक एडिशनल एसपी का पद भी स्वीकृत करने की बात हुई, जिसका हेडक्वार्टर बढ़वा करने पर विचार है। जो लोग दंगे में चिन्हित होकर जिन्हें जेल भेजा गया है उनके ऊपर भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन द्वारा? जो कार्रवाई की जेल भेजा गया तो भी कार्रवाई नहीं हुई है, कह रहे हो? पत्थर, आप दोनों ही बातें नहीं। जो मकान ध्वस्त करने की आपने बात कही थी, नेस्तो कानून अपना काम कर रहा है, और कोई भी कानून के दायरे से बचेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास। टेरर फंडिंग को लेकर क्या अब तक कोई टेरर और कोई फंडिंग दिखेगी नहीं आपको?